दोन फायनलिस्ट एका बाजूला आहे माऊली वॉरियर, दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय छत्रपती वॉरियर संघ. दोन वॉरियर लढले आणि फायनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या जाईल फायनल टॉस उपस्थित मान्यवर सर्वच सर्वांनी खूप मेहनत घेतली या स्पर्धेमध्ये, खूप चांगला सहभाग दिला आणि त्याचमुळे ही स्पर्धा आज फायनल दिवसामध्ये फायनल डे आणि थोड्याच वेळात फायनलचा सामना मेगा फायनल. दोन टीम संघर्ष करत इथपर्यंत पोहोचले आहेत. छत्रपती वॉरियर संघ नक्कीच एका क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये अटकला होता, त्यानंतर तो बाहेर आला आणि आता फायनल मध्ये पोहोचला. त्याला उशीर करू नका, सामन्याला उशीर होतोय. छत्रपती वॉरियर आपले सर्व खेळाडू इथे उपस्थित करा, उपस्थित मान्यवर त्यांच्या हस्ते नाणेफेक होईल. फायनलची मॅच आहे, उशीर झाला तर नक्कीच सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंगला त्रास होईल हे लक्षात घ्यायचंय. निर्णय तिथे सांगा माऊली वॉरियर कॅप्टन प्रथम फलंदाजी करण्याचा फायनल वरती आलाय छत्रपती वॉरियर टीम कडून खेळत असताना. दुसऱ्या बाजूला माऊली वॉरियर फायनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. रन किती बनवल्या जातील या फायनल मॅच मध्ये. आपला सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. एनपीएल नाणीस प्रीमियर लीग 2023 पर्व चौथे चौथ्या पर्वातील फायनल डे फायनलची मॅच. एका बाजूला माऊली वॉरियर तर दुसऱ्या बाजूला छत्रपती वॉरियर. फायनलचा सामना फायनल मॅच मध्ये आपण पाहाल. टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय माऊली वॉरियर संघाचा. आघाडीची जोडी मैदानावरती दाखल झाले, स्वप्ना सुर्वे शुभम दर्डी, कमाल केले या दोन फलंदाजांनी. या फायनलच्या सामन्यामध्ये बोलिंग आले आता मात्र छत्रपती वॉरियर टीम कडे. मागची मॅच आपण पाहिली सेमीफायनलचा सामना, त्यामध्ये तुषारने केली होती कमाल, पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये विकेट मिळवल्या, तेथून झालेलं कम बॅक या संघाला फायनल मध्ये येऊन पोहोचवलं. चांगली गोलंदाजी झाली होती मागच्या मॅच मध्ये, आता फायनलचा सामना आहे. पाहूया या
चौथ्या पर्वाचा विजेता संघ कोणता मिळणार आहे फायनलचा सामना मेगा फायनल यनाडीस प्रीमियर लीग साठी फायनलची मॅच तुषार पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी चार षटकांचा सामना असेल थोडस फास्ट खेळा जितकी फास्ट तुम्ही गोलंदाजी कराल तितकाच वेळ तुम्हाला बॅटिंग मध्ये मिळेल सेकंड इनिंग मध्ये स्वप्ना सुर्वे स्ट्राइकिंग गेंद वरती पाहायला मिळतोय दुसऱ्या बाजूला लॉन्ग स्ट्राइकिंग गेंद वरती शुभम दडी पहिला बॉल राइट हँड ओव्हर द विकेट फायनलचा शफल झाला यष्टा उद्ध्वस्त फटकेचा डिस्ट्रॉट पहिल्याच बॉल वरती आले विकेट नाव आहे तुषार तुषार अप्पलेची गोलंदाजी धारदार आणि आता मात्र मिळते विकेट स्वप्ना सुर्वे बॅक टू द पॅवेलियन पहिल्याच बॉल वरती पहिली विकेट आता मात्र आपले इरादे स्पष्ट केले तुषारने मागच्या मॅच पासून तो मात्र आता रंगामध्ये आलाय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते मागच्या सीझन मध्ये देखील होती परंतु आता सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये या खेळाडूला विकेट मिळत नव्हत्या परंतु आता आला कमबॅक केलं सेमी फायनलच्या महत्व सामन्यामध्ये त्याने कमाल केली आता फायनलच्या मॅच मध्ये पहिल्याच बॉल वरती कॅप्टनची विकेट स्वप्ना सुर्वेला पहिल्या बॉल वरती गोल्डन डकचा शिकार ठरवलं तंबूच्या आसऱ्याला बसवले त्याला नवीन बॅटर वरती कृणाल सरफरे भैया सरफरे स्ट्राइकिंग गेट वरती आपल्याला पाहायला मिळेल दुसऱ्या बाजूला सूरज दर्डी याच्यावरती नजर असतील या फायनल मॅच मध्ये कारण सूरज वरती जबाब माफ करा शुभम दर्डी आपल्याला पाहायला मिळतोय शुभम वरती जबाबदारी आली टीमची आणि जबाबदारीने क्रिकेट खेळावं लागेल या फायनल मॅच मध्ये चांगली पारी खेळावी लागेल चांगली इनिंग पेश करावी लागेल तुषार तयार राईट हँड ओव्हर द विकेट नेक्स्ट बॉल दुसरा चेंडू बॅटची एज येथे मात्र खेळाडू आहे तैनात थोडस फंबल करतो आला होता परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर बॉल डीप मध्ये गेला त्यानंतर दोन रन ते कंप्लीट होतात या दोन रन धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती दोन पाहायला मिळते धावसंख्येचा श्रीगणेश गेलाय पहिल्याच बॉल वरती विकेट आल्यानंतर थोडासा दबाव फलंदाजी वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण विकेट जशा जातात त्यानंतर रन देखील थोडीशी कमी होताना पाहायला मिळतात परंतु आता भैया सरपर एक आक्रमक खेळाडू स्ट्राइकिंग वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय नेक्स्ट बॉल आडव्या बॅटने खेळलाय डीप मध्ये खेळाडू नाहीये बॉल ट्रॅव्हल होतोय इथे मात्र बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बघता बघता बॉल सीमा पार येतोय चौकार रन मिळतील चार चौकार आलाय चौकाराने आता मात्र नक्कीच धावसंख्येमध्ये भर केली जाते धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती सहा पहिले षटक प्रगतीपथावर असताना चांगला फटका कृणालचा चार रन त्यावरती वसूल यावेळेला उडवलाय समोरच्या दिशेला टीप मध्ये खेळाडू नाहीये दूरवरून येईल पोहोचेल का नाही पोहोचलाय बॉल चाललाय बाउंड्रीच्या दिशेने दोन रन ते कंप्लीट केल्या जातील चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते थ्रो करेल तोपर्यंत येथे दोन रन पाहायला मिळतात या दोन रन ने धावसंख्या पुढे सरसावती धावसंख्या पाहायला मिळेल आतापर्यंत आठ धावा पहिल्या षटकाचा खेळ इथे चालू आहे पहिल्या षटकातील आपण पाहिलं गेलं तर पहिल्याच बॉल वरती विकेट त्यानंतर दोन रन त्यानंतर एक मोठा फटका चौकारने आता पुन्हा एकदा दुहेरी धाव खेळ आतापर्यंत झालाय बॅटिंग चांगली केली कृणालने दोन चेंडू फेस केलेत चांगल्या धावा त्याने आपल्या संघासाठी बनवल्यात माफ करा तीन चेंडू फेस केलेत चांगल्या रन त्याने बनवल्यात फुल टॉस बॉल बिगिन करण्याचा प्रयत्न झाला संपर्क होत नाही थ्रो चुकीचा बॅकअप येतोय क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये असे थ्रो नक्कीच मागणे पडू शकतात परंतु आता रन मिळणार नाही डॉट बॉल पाहायला मिळतोय निरुधाव चेंडू येतोय धावसंख्या स्थिरावले स्कोर कार्ड वरती आठ रन वर मुख्य व्यासपीठच्या मागे जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती गाडी पार्क केली त्यामुळे ट्रॅफिक होते तिची गाडी खूप साऱ्या गाड्या आहेत त्या गाड्या जरा बाजूला करा त्याच्या गाड्या मागच्या रस्त्यावरती आहेत त्यांनी बाजूला करायच्या यावेळेला मात्र हा फटका लॉग ऑफ रिझन मध्ये कृणाल सरफरे बॅट मधून धमाका रन मिळतील सहा षटकार
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट। पावर प्लेच्या षटकामध्ये तुषारच्या रन आले येथे 14 धावा 14 वर 1। माऊली वॉरियर स्वप्न सुर्वेची पहिल्याच बॉल वरती आली होती विकेट, त्यानंतर कृणाल सरफरे दोन मोठे फटके त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिलेत, तो नॉन स्ट्राइकिंग इन वरती। तर आता मागच्या मॅचचा हिरो रोहित दर्डी गोलंदाजी करण्यासाठी राइटर मूवर द विकेट ने आता मात्र शफल झाला होता। गदी अष्टन वरून बॉल ट्रॅव्हल झाला विकेट किपर कडे, तो देखील बीट, फ्लाय स्लिप मध्ये खेळाडू देखील बीट। काय चेंडू फेकलाय, एका चेंडूवरती तीन तीन खेळाडूंना बीट केलंय ते गोलंदाज रोहितने, चांगली गोलंदाजी। आता मात्र एक रन जरूर आले, एक रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते। आतापर्यंत 15 धावा, धावसंख्या चांगली आहे, फटकेबाजी चांगली करतोय कृणाल, परंतु थांबून खेळायचंय, शेवटपर्यंत बॅटिंग चांगली करायची या इनिंग मध्ये। तर पाहूया स्ट्राइकिंग इन वरती तयार, नाइस बॉल, यॉर्कर बॉल, रन आउट चा चान्स, एस्टन वरती चेंडू पोहोचलाय पंचांचं बोट आकाशाकडे, हे काय आता काय घडलंय, रन आउट चा चान्स होता, चांगली विकेट कीपिंग आणि आता रन आउट च्या स्वरूपात कृणाल सरफरे बॅक टू द पॅवेलियन, मोठा धक्का। सामन्यांमध्ये या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, तो बॅटर मैदानावरती दाखल झाला आता साहिल खटकू। तर पाहूया मोठी धावसंख्या बनवली जाईल का, साहिल स्ट्राइकिंग इन वरती आपल्याला पाहायला मिळेल, बॅकफुट आला टॅप केले बॉलला, खेळाडू आहे रन मिळणार नाही आहे, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते, गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल, रोखून धरलंय फलंदाजाला, मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलंय येथे, मात्र नक्कीच प्रयत्न करत नाहीये, परंतु तेथे मोठा फटका देखील आला नाहीये, डॉट बॉल येतोय निर्धाव। हा फायनलचा सामना आहे, या फायनलच्या सामन्यामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी ओमकार दरडीची पाहायला मिळते। पुढे सरसावून खेळलेला फटका समोर खेळाडू तैनात केलाय आकार अक्षय तत्परतेने आलाय, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल पाहायला मिळते, चांगली गोलंदाजी येथे नक्कीच छत्रपती वॉरियर टीम ची पाहायला मिळते। षटक संपुष्टात आले, तिसरं, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 26-26 वर 2। चला थोडस फास्ट खेळायचंय, सामन्याला उशीर होतोय। पहिल्या इनिंगच्या खेळाचं अंतिम षटक गोलंदाजी मार्कवर अक्षय रनसे, मागच्या मॅच मध्ये सेमी फायनलच्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी राहिली, नक्कीच रन रोखले तोच गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये। शफल झाला फाइनलच्या क्षेत्रामध्ये, चेंडू उडवायचा होता, व्हाइट बॉल आलाय, एक अतिरिक्त रन आले, नक्कीच आवडतं क्षेत्र आहे, समोर फटके लगवतो, फाइनलच्या क्षेत्रामध्ये फटके लगवतो, चांगला बॅटर आहे इथे साहिल, एक वाईट वाईट च्या स्वरूपात एक रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 27-27 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। फायनलचा सामना मेगा फायनल, रन थोडेसे कमी आलेत, परंतु त्यानंतर सेकंड इनिंग मध्ये गोलंदाजी चांगली करावी लागेल, यावेळेला मात्र फुलटॉस बॉल, फ्लाय स्लिप मधून खेळाडू चेंडूवरती येईल, तोपर्यंत एक सिंगल व्हाईट प्लस वन व्हाईटच्या स्वरूपात एक रन, या बॉल वरती 2 रन, नक्की सुरुवात थोडीशी खराब म्हणता येईल या अंतिम षटकाची, पहिले 2 बॉल चुकीचे फेकले अक्षयने, अक्षय रनसेला कम बॅक करावा लागेल, हा फायनलचा सामना आहे, इथून झालेल्या चुका तुम्हाला नक्कीच महागड्या पडू शकतात, नक्कीच थोडेसे रन वाढलेत या 2 रन, या 2 रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते 29 धावा, 2 विकेट गमावल्या जरूर, परंतु त्यानंतर यावर मध्ये थोडेसे रन येत आहेत।
फुलल बॉल उडवले ते मात्र समोर खेळाडू तैनात चेंडू अटकतोय तोपर्यंत खेळाडू येईल वन बाउंस टू बाउंस गॅदर केले गेले तोपर्यंत दोन रन ते कंप्लीट करण्यात यश मिळते फलंदाजाला शुभम दर्डी स्ट्राइकिंग इन वरती पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल या दोन रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 31 31 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आले शुभम हा स्ट्राइक मोठा फटका खेचायचा इथून मोठमोठे फटके आले तर एक चांगलं टार्गेट मैदानावरती उभं राहील अक्षय नरसिंह चांगली गोलंदाजी करतोय एक बॉल आता चांगला फेकलाय अगोट टप्प्याचा बॉल बॅटला चेंडू ब्रश झाला होता परंतु येथे झेल सुटला आणि फ्लाय स्लिप मधील खेळाडू देखील थोडस फंबल करतोय एक रन येथे मिळेल एक रन वरती समाधान एक रन धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 32-32 येथे झेल झाला असता तर नक्कीच एक नवीन बॅटर मैदानावरती आला असता अक्षय रनसे चांगली गोलंदाजी करतोय अकूट टप्प्याचा बॉल शरीरापासून बाहेर खेळवण्यात आलं आणि त्यानंतर एज लागली होती विकेट किपरने झेल सोडलाय साहिल आता स्ट्रायकिंग इन वरती आलाय चांगली कामगिरी करायची आहे चार बॉल अजूनही शिल्लक असतील या षटकामधील त्या बॉल वरती मोठमोठे फटके खेचले तर चांगला रन पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये पाहायला मिळेल व्हाइट बॉल अगदी यष्ट्यांच्या बाजूने बॉल ट्रॅव्हल झाला जरूर परंतु येथे अतिरिक्त रन देऊन गेलाय या एक एक रन महत्वाच्या ठरू शकतात त्यावेळेला नक्की सामना चुरशीचा होईल या रन लक्षात ठेवल्या जातील व्हाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त रन या ओव्हर मध्ये खूप जास्त खर्च झालायत आतापर्यंत दोन बॉल फेकलेत सात रन या ओव्हर मध्ये खर्च झालायत स्ट्रायकिंग इन वरती पुन्हा एकदा साहिल अक्षय रन्स तयार राईट हँड मूव्हर द विकेट ने फुलल बॉल विकेट करण्याचा प्रयत्न संपर्क होत नाहीये बॉल चाललाय लेग स्लिप मध्ये येथे मात्र चेंडूवरती खेळाडू येईल विकेट किपर स्वतः तोपर्यंत एक सिंगल मिळते या देखील ओव्हर मध्ये मोठा फटका येत नाहीये साहिल खटकुळ प्रयत्न तर करतोय परंतु त्याच्या बॅट मध्ये संपर्क होत नाहीये आणि त्याचमुळे रन देखील थोडेसे कमी पाहायला मिळते 34-34 धावा धावफलकावरती आलेत चांगला म्हणता येईल कारण गोलंदाजी चांगली आहे स्वप्ना सुर्वे ज्या पद्धतीने पहिलं षटक हाताळतोय सातत्याने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये रन खर्च होत नाहीये 34 धावा एकदा बॉलर तयार ओव्हर द विकेट मांकिनिंगचा प्रयत्न नॉट आउटचा इशारा चला फास्ट खेळायचंय सामन्याला उशीर होतोय फायनलचा सामना फायनलचा दिवस आजच्या दिवसामध्ये खूप सारे सामने खेळले गेले परंतु या सामन्याची आतुरता होती संपूर्ण नाणीच गावाला तो सामना आपण पाहत आहात टॉप ए जेथे मात्र चेंडू हवे मध्ये नो मॅच लँड मध्ये टप्पा पडेल एक रन कम्प्लीट दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेलाय हो दोन रन येथे या बॉल वरती प्राप्त होत आहेत या दोन रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पुढे सरसावेल धावसंख्या पाहायला मिळते आतापर्यंत 36 धावा चांगली धावसंख्या आली आहे फायटिंग रन तर येथे उभा राहिलाय परंतु अजूनही या षटकातील दोन बॉल शिल्लक आहेत अक्षय रनसे या ओव्हर मध्ये अतिरिक्त जे वाईट बॉल फेकले त्यामुळे नक्की चांगली धावसंख्या बदले माऊली वॉरियर संघाची शुभम स्ट्राइक फुललेन बॉल आता संपर्क होत नाहीये यावेळेला नॉन स्ट्राइकिंग गेमला जर कोणता खेळाडू असता तर इथे एकही रन मिळाला नसता परंतु आता एक सिंगल प्राप्त झाले एक सिंगल ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत तर आता मात्र एक बॉल शिल्लक आहे पहिल्या इनिंगच्या खेळाचा किती रनचं टार्गेट उभं राहील त्यावरती नक्कीच नजरा असतील कारण जेवढं टार्गेट तेवढा सामना टाइट मैदानावरती पाहायला मिळेल परंतु आता थोडासा बॅड लाईट येतोय मैदानामध्ये आणि त्याचमुळे रन चेस करत असताना बॅड लाईटचा फायदा गोलंदाजांना मिळेल यावेळेला मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू बॉल चालला ट्रॅव्हल होतोय विकेट किपरच्या मागे एक रन कम्प्लीट दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल येथे ही फायनलची मॅच त्यामध्ये एक खेळाडू रन आउट शुभम रनच्या स्वरूपात बाद एक रन मिळते एक रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 38 आणि 39 धावांचं लक्ष उभं आहे या मॅच मध्ये सेकंड इनिंग मध्ये जोडले जाऊ आपण रत्नागिरीतील बुलंदाज आवाज येथे सरदार शेख सरांकडे
अटेम करना चाहते थे। ओह यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है रोहित दर्डी ने, सीधे बल्ले से रन बन सकते थे लेकिन टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास यहाँ पर रहा। मुकाबला जरूर है लेकिन किसी हाई वोल्टेज से कम नहीं रहेगा। रोहित दर्डी अन एक्सेप्टेड ये स्ट्रोक खेलते हुए बोल्ड आउट हुए, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस तरीके का वो स्ट्रोक पावर प्ले में खेलेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हमेशा बहुत बड़े जो है संकट को न्योता देती है, देखना होगा कितना ये उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा, आने वाला समय बताएगा। नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड हल्के, ओह व्हाट अ बॉल, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर जरूर थी लेकिन अच्छी गेंद थी, क्रैकिंग यॉर्कर करने का प्रयास लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर चली गई और ये अतिरिक्त रूप में रन यहाँ पर जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। एक विकेट जा चुका है रोहित का, महत्वपूर्ण खिलाड़ी डगआउट में अब आपको देखने को मिल रहे हैं। पटकी भी गेंद थी, कट किया पॉइंट की दिशा में, जब तक की फील्ड करते एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग करना चाहते हैं, दूसरे के लिए दौड़े, थ्रो अच्छा आया लेकिन दो रन मुकम्मल करते हुए। छत्रपति वॉरियर्स और मावली वॉरियर्स के बीच में ये ग्रैंड फिनाले, चौथा सीजन और देखा जाए तो मेरे दोस्तों इस बार नए नए चुनौती देखने को मिली, जो टॉप लेवल की टीमें थी प्रतियोगिता से बाहर चली गई और इतिहास को दोहराया गया है चौथे सीजन में भी, एक और दो नंबर वाली टीमें प्रतियोगिता से बाहर, तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम ग्रैंड फिनाले खेलते भी, यही क्रिकेट का यहाँ पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों मजा है। कट करना चाहते थे, कुछ हद तक कामयाब भी हुए, ओह क्या जबरदस्त है, उम्र इनकी 55 है लेकिन डाइव 55 जैसा उन्होंने लगाया है, लेकिन सरना करनी होगी, एक एक रन की कीमत वो भी जानते हैं, काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है और अपने टीम के लिए एक एक रन का महत्व वो समझ सकते हैं। और एक रन स्कोरबोर्ड में छत्रपति वॉरियर्स के खाते में जुड़ता हुआ, पांच रन एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर स्वप्नज, इस ओवर की अगली गेंद की आखिरी गेंद करके पावर प्ले चलता हुआ स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ये स्ट्रोक देकर जाएगा यहां से, नहीं कहीं ना कहीं किस्मत को भी शायद ये मंजूर नहीं है ये रन बनना, जहां पर चार होने चाहिए थे दो ही रन बने और जहां पर कभी कभी सिंगल मिलना चाहिए वहां पर चौका भी निकलता है, तीन रन मुकम्मल कर लिए हैं, एक रन सेव हुआ और ये एक रन इस टोटल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त होता हुआ स्वप्नज का, तो आठ रन एक विकेट के नुकसान पर, आने वाली गेंदे 18-31 रनों की जरूरत है, तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लो टोटल को भी डिफेंड करने के लिए जाने जाते हैं। इस समय देखा जाए तो माउली वॉरियर्स की टीम दूसरी, छत्रपति वॉरियर्स के पास अच्छे फिनिशर मौजूद है, ओमकार और अक्षय अच्छी फॉर्म में चल रहे, इसी फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए इस फाइनल में भी कम से कम 15 या 20 रनों की साझेदारी करनी होगी, तब जाकर ये जो बचे हुए 31 रन है उसको पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ चौथा सीजन भी अपने नाम कर सकते हैं। चौथे सीजन का जो नाम किसके ऊपर लहराएगा, किसका नाम का परचम लहराएगा, आने वाला समय बताएगा जरूर। इस समय नए गेंदबाज आते हुए व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर कुणाल और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए रहेंगे अक्षय, शानदार गेंदबाजी की और इस समय अब बल्लेबाजी का रोल अदा करेंगे। 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है, इस ढलती हुई शाम के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता रोमांच भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल दूसरी ओवर की पहली गेंद, उच्च लंबे कद के खिलाड़ी, पटकी भी गेंद थी, हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और इस बार पहला, ओ क्या बात है, ये तो कैच को नाम दूंगा पीक कैच है, चुटकी में चुटका है, क्या बात है, ओहो देखिए आंखें बंद करके भी इस कैच को लिया नहीं जा सकता था लेकिन आंखें खुली थी, सिर्फ हाथ आगे की, इनका एक कैच देखकर मुझे कोलकाता नाइट राइडर के गौतम गंभीर की याद आई, थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने कैच लिया था लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ये कैच इन्होंने कंप्लीट किया है, बंटी थे।
से 100 रुपए की धनराशि उनको दी जाएगी। और कैच लेने वाले खिलाड़ी सोपान थे। पिछले मैच से इन पर इनाम लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने जबरदस्त खिलाड़ी और ये कैसे समझ गया कि इनके हाथ से कैच नहीं छूटेगा। जिस तरीके से कैच सरप्राइज किया, और कहीं ना कहीं देखिए जब किसी खिलाड़ी को आप जहां पर गेंद नहीं जाती वहां पर रखना चाहते हो तो जानबूझकर गेंद भी उसी दिशा में जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा सोपान ने, आइए ये फाइनल के मुकाबले में मैं अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, और वही यहाँ पर उन्होंने किया है। काफी सीनियर काफी जूनियर यहाँ पर खिलाड़ी है जो इस समय अच्छा खेल करते हुए दूसरा विकेट लिए 8 रन पर गिर चुका है। और कुणाल ने पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। फिर से एक बार दूसरी ओर की दूसरी गेंद स्टैकिंग एंड पर रहेंगे तुषार। लो टोटल वाला ग्रैंड फिनाले और पिच गेंद थी, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे। विकेटों के पीछे गेंद को कलेक्ट कर लिया गया है और हर गेंद पर कहीं ना कहीं डगआउट के अंदर की धड़कनें तेज होती हुई। और इस समय देखा जाए तो 8 रन पर 2 विकेट जा चुके, 39 रनों का पीछा कर रही है छत्रपति वॉरियर्स की टीम। देखना होगा पटकी भी गेंद जोर से खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, गेंद को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्ला जोर से घुमाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ गेंद के लाइन में जाकर टच करते हुए रन भी लेंगे तो जीत के करीब आप जा सकते हैं। चौके छक्के ही आपको जीत दिलाएंगे ऐसा नहीं है, क्रिकेट में वो हर एक रन जरूरी है जो आपके बल्ले से निकलता है। और इस बार कुणाल शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें अभी भी शेष दूसरी ओवर की। चौथी गेंद पहली गेंद पर विकेट, 2 गेंदें डॉट, ओवर फिर गेंद थी, अच्छा खेला जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं अब मेडल करूंगा। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और यहां पर फिर भी 2 रन मुकम्मल करते हुए छत्रपति वॉरियर्स के खाते में 2 रन जुड़ेंगे, 10 रन बनते हुए, यानी कि और 29 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, बहुत ज्यादा समय है बल्लेबाज के पास तो थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा सेट होंगे तो चल जाएगा यहाँ से जोखिम। शायद वो सोच रहे हैं कि बैड लाइट की यहां पर कोशिश होगी। रमेश जी कोकरेसर इनके ओर से इनाम आते हुए, अगर कुणाल हैट्रिक करते तो धनराशि उनको दी जाएगी, 3000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस बीच अच्छा स्ट्रोक खेला है, गैप में जरूर चली गई है और डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़ेंगे और दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए। जी हाँ, इक्के दुक्के से टारगेट के करीब जाया जा सकता है, 12 रन बनेंगे इस 2 रनों के साथ। और अब दूसरी ओवर की आखिरी गेंद कुणाल की। कुणाल ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, कोई मौका नहीं दिया लंबे स्ट्रोक खेलने का, तो कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा है बल्लेबाज को। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार, और पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, काफी फाइन चली गई। विकेट कीपर स्वप्नाज गेंद के नीचे आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या बनी 12, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले गेंद दे रहे मेरे दोस्तों 12 और जीतने के लिए चाहिए 26 समाप्ति पर। जी हाँ, और आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है, 13 के औसत से रन बनाने हैं। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो सपना जो आपने पिछले 2 दिनों में देखा है इस विनिंग ट्रॉफी को अपने घर लेकर जाने का, उसको हकीकत में उतारने का इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। और वही कोशिश यहाँ पर जो है कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए आते हुए सुधाकर पंडित इस समय जो है गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकिंग एंड पर तुषार है सुधाकर। पटकी भी गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, मिडल अच्छा हुआ, गेंद गिरी जब फील्डर आते हुए, बढ़िया कैच और तुषार बैक टू द पवेलियन। और जरूर माउली वॉरियर्स के पूरे फैंस के अंदर खुशी का माहौल बनता हुआ होना भी चाहिए, कहीं पे सन्नाटा कहीं पे जश्न है, यही तो इस मैच का मेरे दोस्तों मजा है। हाँ, फंसा के भी बचते हुए रीप्ले में आप देख सकते हैं, बढ़िया कैच लगता है, आसान नहीं होता रनिंग कैच।
और तीसरी ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं। तो हर गेंदबाज ने विकेट चटकाई अपने टीम के लिए। सुधाकर ने भी वही किया, अच्छा स्टार्ट दिया इस तीसरी ओवर की पहली गेंद पर। 11 गेंदे 26 रनों की जरूरत है और बल्लेबाजी के लिए आते हुए अक्षय आए हैं अपने आप को साबित करने का। इससे अच्छा मौका मेरे दोस्तों नहीं है। देखिए अपना नाम कमाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम करो कि 100 साल तक लोग याद करें। और जरूर लो फुल टॉस गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर रुकती हुई डॉट गेंद आती हुई। डॉट गेंदे परेशानियों का कारण बनेगी छत्रपति वॉरियर्स के लिए और डॉट गेंदे जीत के करीब लेकर जाएगी माउली वॉरियर्स के लिए। हाँ जरूर दोनों भी टीमों के ओनर अब जरूर दुआ कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल करते खेलना चाहते थे और इस समय डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज चल बसते डगआउट की ओर, लेकिन यहां पर ओवर थ्रो के दो रन जुड़ेंगे स्कोरबोर्ड में। 15 रन बने इस दो रनों के साथ, ये हल्के से मोमेंट जरूर यहां पर फायदेमंद साबित होंगे। लगातार 3 छक्के अगर जड़ते हैं बल्लेबाज अक्षय तो रमेश जी कोकरेसर इनकी ओर से 3000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जैसे जैसे मैच आगे चल रहा है धनराशि भी बढ़ती हुई नजर आ रही और इस बीच सुधाकर नो का इशारा दिया गया है। जले हुए पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं। मौका इस समय है अक्षय के पास लंबा स्ट्रोक दड़ने का। हाँ जरूर जो कि साइड लाइन है शायद उससे क्रॉस हुए थे, इसीलिए महेश जी दलवी सर इन्होंने नो का इशारा दिया है। पूछ रहे थे कि नो आपने दी है उसका कारण क्या है, तो उन्होंने समझा कर बताया ऐसे ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से ये नो करार दिया गया। फ्री हिट है तो फ्री हिट इस मौके पर इस सिचुएशन पर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा मायने रखती है छत्रपति वॉरियर्स टीम को। तो फ्री हिट की गेंद सुधाकर लेकर अक्षय के लिए, ओवर पिच गेंद थी लेकिन मिडल इतना अच्छा नहीं कर पाए, कैच लेंगे फिर भी आउट नहीं दिया जाएगा। ये फ्री हिट की गेंद थी, एक ही रन मिलेगा इस फ्री हिट की गेंद पर और भली भांति फील्डर भी जानते थे गेंद को लेकर आए विकेट विकेट कीपर के पास, तो एक ही रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। 70 रन बने हैं तो अभी भी जीतने के लिए मेरे दोस्तों 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत है, यानी कि 2 गेंदों पर एक लंबे स्ट्रोक की तलाश में रहेंगे। तो ओमकार स्ट्राइकिंग एंड पर सुधाकर पटकी भी गेंद की हवा में खेला है, गेंद के नीचे फिर से एक बार फील्डर आएंगे लेकिन काफी दूर गेंद रही। एक रन पूरा किया, दूसरी रन की गुंजाइश यहां पर है और पूरा करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती भी दोस्तों 19 रन। 7 गेंदे 20 रनों की जरूरत है, किसी भी हाल में इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक आना छत्रपति वॉरियर्स के लिए जरूरी है वरना बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है आखिरी ओवर में। सुधाकर की इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद ओमकार के लिए, लो फुल टॉस थी, ओमकार ऑन फायर और यहां पर कैच को लपका है डीप स्कल्ले की दिशा में। ओमकार बैक टू द पवेलियन नाउ, व्हाट अ कैच डीजे। होता है तो हम प्रेजेंटेशन बॉक्स की ओर चलेंगे, प्राइस सेरेमनी होगा, इस्तकबाल भी होगा, तो प्लीज आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मैं तो आप मंच के ऊपर जरूर मौजूद रहेंगे। तो चलते हैं मैच के दरमियान 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है गेंदबाजी के लिए आते हुए विकी आते हुए 6 गेंदे 20 रन की जरूरत है। अब दर्शकों में हल्की सी बातचीत होती हुई क्या होगा, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है अक्षय, ओवर पिच गेंद थी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, एक रन पूरा करेंगे बढ़िया फील्डिंग है दूसरे के लिए दौड़ेंगे, तब तक की थ्रो करते यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और दूसरे रन लेने के चक्कर में बल्लेबाज आउट होते हुए एक ही रन जुड़ेगा डीजे।
किया है और विनोद जी भागवतसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहेगी जिस तरीके से उनकी टीम ने प्रदर्शन किया है। माउली वॉरियर्स के ओनर है और अच्छा खेल उनकी टीम ने दिखाया इस सेमीफाइनल में भी और इस फाइनल में भी। तो पांच गेंदे 19 रनों की जरूरत इस समय बीच मैदान में। अक्षय है स्ट्राइकिंग एंड पर, देखना होगा। पटकी भी गेंद थी, टॉप एज लगा और विकेट कीपर स्वप्नाज ने कोई गलती नहीं की और ये विकेट मिलती भी अक्षय बैक टू द पवेलियन। अगर गेंदबाज हैट्रिक करते हैं अक्षय जी कोकरे सर और चीनू सावंत सर इनकी ओर से 1,000 और 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। मुकाबला बहुत ज्यादा दूर नजर आता हुआ छत्रपति वॉरियर्स के पल्ले से। चार गेंदे 19 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए और इस छोटे से टोटल को डिफेंड करने का प्रयास जारी है। लेकिन डॉट गेंद यहां से आती हुई स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और ये रन आउट का विकेट मिलता हुआ। जी हाँ, सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा जैसे आने वाले और तीन गेंद यहां पर की जाएगी और एक विकेट रन आउट के रूप में मिलता हुआ। खत्म होने के बाद आप मंच के सामने आ जाइए। इस ओवर की अब चौथी गेंद। अच्छा स्ट्रोक यहां पर खेला लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में तो रन संख्या बनती हुई एक रन के साथ 21 रन। केतन नवाल की ओर से 1,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी अगर यहां से छक्का लगाते हैं बल्लेबाज ऋषभ के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला था, गेंद कहां है हमें पता नहीं लेकिन फिर भी फील्डर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जी हाँ दौड़ रहा है, इसका मतलब गेंद वहीं पर है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। मोमेंट दिख रहा है हर एक खिलाड़ी के लेकिन बैड लाइट होने की वजह से भी यहां पर जो है दर्शक रुके हुए हैं। आखिरी गेंद है, उसके बाद सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा। माउली वॉरियर्स की टीम जरूर सेलिब्रेशन करना चाहेगी और इस बीच लंबा स्ट्रोक करने की कोशिश। इसी के साथ चौथे सीजन की विनर टीम बनी है माउली वॉरियर्स। डीजे